फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट रप्ति। लेकर आई हूँ दबंग खान स्पेशल, आज का ये प्रोग्राम। इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारी रिपोर्ट हम आपके बीच पेश करेंगे। आप जानेंगे कि सलमान भी शादी के लिए एक वक्त काफी उतावले थे, लेकिन उन्हें यकीन किया दिलाया गया कि वो शादी के लायक नहीं। आज अगर अपने जीवन में वो खुश है बिन शादी के कुंवारे रहकर, तो उसके पीछे उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो भूल नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण उन्हें अपने आप से भी शिकायत थी कि आखिर कैसे उन्होंने शादी के लिए हाथ मांगा, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड की मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक समय सलमान खान बने, आज भी उनके दीवाने करोड़ों करोड़ों फैंस है, फीमेल फैंस। इसके बावजूद सलमान एक एक्ट्रेस के दीवाने हुए, शादी का ख्वाब सजाया और वो ख्वाब टूट ही गया। फिर सलमान खान अगर आज कुंवारे हैं, शादी के बिना खुश हैं, तो इसकी वजह ये उनका अतीत भी माना जाता है। खुद जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में कैसे ये सब सलमान की जिंदगी में हुआ। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों बॉलीवुड टाउन में सितारे जो हैं अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा अलग तरीके से व्यस्त चल रहे हैं। यहाँ हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे सुपरस्टार सलमान खान के बारे में, आई खबरों के बारे में। सलमान खान जो बिग बॉस सीजन 15 को लेकर बिजी चल रहे हैं, क्योंकि शो में इस वक्त सलमान खान का गुस्सा जो है काफी बढ़ा हुआ है कंटेस्टेंट्स को लेकर। अब आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में सलमान खान वीकेंड के वार को लेकर हमेशा ही जो है गुस्से में नजर आते, किसी न किसी कंटेस्टेंट पर उनका गुस्सा निकलता ही है। तेजस्वी पर उनका गुस्सा इस वक्त चर्चा में है। तो क्या आज आप सबको हम ये बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि सलमान खान का बॉलीवुड में अपनी को स्टार्स के साथ भी रिश्ता बहुत खास रहा है। एक सच आपको बताना चाहेंगे जूही चावला के साथ सलमान के रिश्ते के बारे में। जूही चावला के इतने दीवाने थे एक समय सलमान खान कि उनसे हाथ मांगने के लिए उनके घर चले गए थे सलमान, और तो और पिता से उनके, जी हाँ, उनके पिता से सीधा उन्होंने हाथ मांगा था और कहा था कि प्लीज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ दे दो, लेकिन जूही चावला उनसे शादी के लिए तैयार नहीं थी। सलमान भी उस वक्त बॉलीवुड में नए आए थे, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इस बात को नहीं जानते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, आज हम आपको बताना चाहेंगे। इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा सलमान खान और जूही चावला फिर कभी काम भी करते नज़र नहीं आए एक साथ स्क्रीन पर, और इसकी वजह बताई जाती है यही सारी बातें। और इसलिए यहाँ पर ख़ास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में सलमान खान को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही हैं इसके बारे में। ये भी कई बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी ज़िंदगी में फिर शादी के लिए किसी भी एक्ट्रेस के घर जाकर किसी का हाथ मांगने का ना मांगने का फैसला लिया। वो कभी फिर हिम्मत नहीं कर पाए किसी भी एक्ट्रेस के घर जाकर शादी के लिए हाथ मांगने का। ऐश्वर्या उनकी ज़िंदगी में आई, सोमी अली आई, संगीता बिजलानी आई, और इसके बाद कैटरीना कैफ आई, लेकिन जब एक्ट्रेस रेडी हुई तभी वो शादी के लिए रेडी हुए। हालांकि शादी को लेकर उनके अंदर के डर कभी खत्म नहीं हो पाया। कैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो लोग और भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। सलमान जूही चावला को नापसंद नहीं करते हैं उसके बाद, लेकिन वो बेइज्जती आज तक वो नहीं भूल पाए हैं। रिपोर्ट। तो दोस्तों, दबंग खान स्पेशल में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बता चुकी हूँ कि सुपरस्टार सलमान खान जूही चावला से शादी के लिए दीवाने थे। 80 के दशक में जूही सुपर हिट अभिनेत्री रही, मिस इंडिया रही, खूबसूरती की मिसाल रही, और वही जूही चावला ने सलमान को रिजेक्ट किया, जिसके बाद सलमान की हिम्मत नहीं हुई शादी का हाथ मांगने की। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9।